भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरे पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश बैस को त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यपाल बनने वाले रमेश बैस की कहानी आज रायपुर जनसेवक में। लोकसभा संसद का 7 बार प्रतिनिधित्व कर चुके रमेश बैस ने अपनी राजनीति की शुरुआत बतौर पार्षद से की थी। शहर के नगर सेवक से देश के जनसेवक बने रमेश बैस छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम निर्वाचित सरकार में मुख्यमंत्री के दावेदार रहे। लोकसभा चुनाव के मैदान में उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के तमाम बड़े चेहरों को हराया, जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मुख्यमंत्री श्यामा चरण शुक्ल और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्या चरण शुक्ल जैसे नाम हैं। 1977 में जब देश में इमरजेंसी के चलते कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन रहा था, तब उभरने वाले साहसी जुझारू युवाओं में रहे रमेश बैस 1978 में ब्राह्मण पारा वार्ड से पार्षद चुने गए। पार्षद का कार्यकाल पूरा भी नहीं हो पाया था और 1980 में पार्टी ने उन्हें मंदिर हसौद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने शानदार जीत भी हासिल की। 1989 में बतौर सांसद दिल्ली पहुंचने वाले श्री रमेश बैस का पार्षद व विधायकी अधूरा रहा, परंतु संसद में 7 बार लगातार प्रतिनिधित्व किया। 1989, 1996 और 1998 में 5 वर्ष नहीं चल पाने वाली संसद के प्रतिनिधि रहे रमेश बैस 1999 से लगातार 2014 तक सांसद रहे, जिसमें 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य भी रहे। रमेश बैस के अनुसार लगातार 7 बार सांसद रहने के बाद टिकट कट जाने से परिजनों में जहां मायूसी थी, वहीं ऐसा लगता था कि सब और अंधेरा ही अंधेरा है, परंतु पार्टी के प्रति निष्ठा के चलते ऐसा लगता था मेरी महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी के लिए अभी शेष है। खुद को समझने के क्रम में ऐसा लगता था राजनीति का कोई भी अवसर अंतिम नहीं होता, उतार चढ़ाव राजनीति का ही हिस्सा है। 2003 में अटल जी ने उनका नाम छत्तीसगढ़ के लिए फाइनल कर दिया था। बहरहाल रमेश बैस उस समय मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इसके लिए उनके मंत्री पद नहीं छोड़ने का निर्णय भी चर्चाओं में रहा। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के निर्णय में पूर्ण बहुमत वाली सरकार में मंत्रिमंडल का हिस्सा होने की अटकलों में सभी समर्थकों को निराश होना पड़ा। पूरे 5 वर्ष तक निराशा और बढ़ गई, जब 2019 में उनको टिकट भी नहीं मिला, परंतु निराशाओं पर भारी पड़ा पार्टी का विश्वास और उनको त्रिपुरा के प्रथम नागरिक बनने का अवसर मिल गया।